Okay, students, welcome back. And yesterday we were discussing with the chromosomal theory of inheritance. Today we are going to continue with the chromosomal theory of inheritance. And हमने कल basics उसके बारे में देख लिए थे that the chromosomal theory of inheritance was basically proposed by Walter Sutton and the Theodore Boveri. So basically they said that the pairing and separation of a pair of chromosomes led to the segregation of a pair of factors they carried. तो इन्होंने क्या किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो मेंडल्स ने जीन्स की बात की थी जो मेंडल्स ने फैक्टर्स की बात की थी वो वाली बात इन्होंने क्लियर अप कर दी थी बाय द थिंग दैट क्रोमोसोम्स द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिविजन. सो सेल डिविजन के टाइम हर जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट हो जाता है एंड फिर क्या करता है यूनाइट करते हैं. पर गैमेट्स के अंदर पेयर में से सिर्फ एक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एक पार्ट ऑफ द जीन ही प्रेजेंट होता है. सो बेसिकली दिस वाज द थिंग व्हिच कंफर्मड दैट जो लॉ ऑफ जो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल है जो सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल है वो बेसिकली क्या है वो ट्रू है. They said the pairing and separation of a pair of chromosomes led to segregation of the pair of factors they carried. Sutton united chromosomal segregation with Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. So chromosomal theory of inheritance basically क्या बोलती है कि chromosomes are the unit of inheritance. That is कि सेल्स के अंदर क्या है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज द जीन्स. तो इन्होंने ये चीज को बेसिकली क्लियर अप कर दिया था इन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि ये हमारा एक सेल है ये आप देख सकते हो दिस इज अ सेल एंड दिस सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी ऑफ द क्रोमोसोम्स इनसाइड इट. And these chromosomes are made up with the help of the DNA, and the functional part of DNA is known as a gene. That's why this is the main inheritance unit of the gene, and it is known as the chromosomal theory of inheritance. Now let us read about some of the important let us read about some of the important statements of the chromosomal theory of inheritance. Students, basically, chromosomal theory of inheritance हमें chromosomes के बारे में बता रही है एंड ये तब की बात है जब chromosomes ने क्या किया था जब chromosomes के बारे में हमें पता चल गया था कि chromosomes नाम की कोई चीज होती है वो DNA की बनी होती है एंड इट इज द मेन हेरिडिटरी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ये क्या करती है इनहेरिटेंस को टेक आउट करती है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. Chromosomes are vehicles of heredity. Two identical chromosomes form a homologous pair. Students, अब जैसे हमारे में क्या होते हैं 23 pairs of chromosomes होते हैं. We are having 23 pairs of chromosomes. Basically, we are having 23 pairs of chromosomes. So जो one pair है और we can say the third pair और we can say the tenth pair. They are of same chromosomes, so these are known as the homologous chromosomes. These are known as the homologous
क्रोमोसोम्स, ये सेम सेम जो क्रोमोसोम्स है उनका पेयर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज अवर जेनेटिक मटीरियल. डीएनए के साथ यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं जो क्रोमोसोम्स के पैकेजिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. यहाँ पे क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जीन फॉर आई कलर. सपोज दैट हेयर इज अ जीन दैट इज फॉर आई कलर, हेयर इज अ जीन दैट इज प्रेजेंट फॉर एंजाइम ए, हेयर इज अ जीन दैट इज प्रेजेंट फॉर साइटोक्रोम सी फ्रॉम फादर एंड फ्रॉम मदर. तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक ये वाला पेयर है, मतलब कि पेयर का एक पार्ट है जो वो एग में होगा, पेयर का दूसरा पार्ट है जो वो स्पर्म्स में होगा. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये क्या कर जाएंगे, यूनाइट कर जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा बेसिकली वो एग्जिबिट करेगा, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर क्या करेंगे, खुद को एग्जिबिट करेंगे. Now, यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर हमें सेल डिविजन के बारे में बताया गया है. होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, गैमेट फॉर्मेशन का मतलब एग फॉर्मेशन या स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन या स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे क्या कर जाते हैं, होमोलोगस पेयर जो है वो कर जाते हैं सेग्रीगेट. एंड यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर इन्होंने शो किया हुआ है बायवेलेंट फेज. बायवेलेंट फेज मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं हमारे, हर क्रोमोसोम की क्या है, दो आर्म्स प्रेजेंट है. दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेयर्स. अब ये जब मियोसिस होगी तब क्या कर जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे, मतलब अनपेयर हो जाएंगे. आप देख सकते हो येलो वाले क्या हो गए, दो दो में डिवाइड हो गए. एंड जो रेड वाला है वो भी क्या हो गया, दो में डिवाइड हो गया. दस येलो एंड रेड इज बेसिकली अ होमोलोगस पेयर जिन्होंने क्या कर ली थी, ड्यूप्लीकेशन कर ली थी. सपोज करो कि ये जो येलो वाला है, येलो वाला जो क्रोमोसोम है ये सारे कंसिस्ट कर रहा है हमारे डोमिनेंट जीन्स, एंड रेड वाला पार्ट जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रिसेसिव जीन्स. तो एक सेल के अंदर, गैमेट सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा. एंड फाइनली जर्म सेल्स के अंदर उनकी एक आर्म ही प्रेजेंट होगी. एंड फिर वो क्या कर जाएंगे, बाद में ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म एंड एग सेल क्या कर जाते हैं, यूनाइट कर जाते हैं. The same thing is visualized in this diagram. That is, this is a metaphase cell, and this metaphase cell is consisting of chromosomes, four chromosomes. These four chromosomes are first being separated out by their homologous pairs. इनके पहले homologous pairs separate out हो रहे हैं, and फिर क्या हो रही है, इनकी arms की separation हो रही है. एंड अल्टीमेटली गैमेट्स के अंदर एक क्रोमोसोम की एक सिंगल आर्म ही प्रेजेंट है. सो वी कैन से एवरी गैमेट इज हैविंग अ सिंगल अलील, नॉट अ पेयर ऑफ जीन्स. Okay students, now let us go to the next part. Homologous pair segregate during gamete formation independently and pairs segregate independently. सेग्रीगेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, सेग्रीगेट का मतलब क्या है, मतलब वो सेपरेट आउट हो रहे हैं.
बट जो एग्जिबिटेंस होगी वो उनकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी. अगर एक जीन है वो क्या है, अगर एक जीन दैट इज वो रिसेसिव वाला जीन है, तो सेकेंड जीन जो है वो भी क्या होगा, रिसेसिव वाला होगा. इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है. ऑल द जीन्स आर एग्जिबिटिंग देमसेल्व्स इन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ द जीन. Genes are present on the chromosomes, hence they show similar behaviors. यहाँ पे आप देख सकते हो last line में लिखा हुआ है. Now, Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan ने Drosophila, Drosophila की image आप देख सकते हो. Drosophila is also known as the queen of genetics, and he worked with the fruit flies. Fruit flies ka scientific name hai Drosophila melanogaster, to prove the chromosomal theory of inheritance. Students, Drosophila ke naam pe aapne Morgan ka naam yaad rakhna hai, Thomas Hunt Morgan. Isne chromosomal theory of inheritance ko प्रूव करने के लिए फ्रूट फ्लाइज के ऊपर काम किया था. अब इसने फ्रूट फ्लाइज को क्यों चूज किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रूट फ्लाई क्या कर देती है, एक ही दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, बहुत ही कम टाइम में, नॉट एक ही दिन में, बहुत ही कम टाइम में वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेती है. नेक्स्ट जनरेशन हमें जल्दी देखने को मिलती है. सो उसने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिए उसको ऑब्जर्वेंस जो की 3-4 महीनों के अंदर उसने बहुत सारी जनरेशन को ऑब्जर्व कर लिया, एंड इन दिस वे उसने क्या किया, बहुत सारे जेनेटिक्स को स्टडी कर लिया. एंड देखते हैं कि उसने क्या क्या जेनेटिक्स को स्टडी किया इसमें. Drosophila is a suitable material for genetic study because they can grow on simple synthetic medium. Simple synthetic medium के ऊपर Drosophila को grow किया जा सकता है. कहीं भी हमें सिर्फ थोड़ा सा nutrient medium provide की करना होता है artificial, and क्या कर जाते हैं, Drosophila आ जाती है and Drosophila grow कर जाती है. They have a short generation time. That is the life cycle is present of just 2 weeks. 2 weeks के अंदर इनका जो है life cycle वो complete हो जाता है. They have the short generation time. मतलब इस 2 weeks के अंदर एक new Drosophila पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, reproduce कर जाता है, and then मर भी जाता है. These are the stages of the life cycle in the इन द लाइफ ऑफ Drosophila, जो वो क्या कर देता है, कंप्लीटली शो कर देता है. ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर. इसका कोई ब्रीडिंग का सीजन नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के केस में बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्रीडिंग का सीजन वेट करना पड़ता है. जैसे कि फ्रॉग्स हैं, दे आर ऑल्सो सीजन स्पेसिफिक, एंड रेप्टाइल्स आर ऑल्सो सीजन स्पेसिफिक. बट इन द केस ऑफ फ्रूट फ्लाइज देर इज नथिंग लाइक दैट. फ्रूट फ्लाइज कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, तो उनको सीजन, उनके सीजन की वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी पर मेटिंग. दे कैन बेसिकली ब्रीड बाय हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मेटिंग. एक मेटिंग में वो क्या है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी को क्या कर देते हैं, अश्योर कर देते हैं. सो हमें रेशियोज को, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी हो जाता है. हमें उनके जेनेटिक वेरिएशन को देखने को मिल जाती हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल जाती हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि मॉर्गन ने जो भी Drosophila को लिया, सोच समझ के लिया. उसने कोई और इंसेक्ट क्यों नहीं एग्जिबिट ऑप्ट किया फॉर हिज रिसर्च, क्योंकि Drosophila के कंपैरेटिव सभी क्या हैं, बहुत ही ज्यादा वीक हैं. दे आर नॉट जेनेटिकली दैट मच स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट हैविंग दैट मच एडवांटेजेस एज Drosophila. द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल.
सो वी कैन ऑल्सो हम देख सकते हैं अगर कोई सेक्स रिलेटेड जीन्स के बारे में कोई बात है, सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है वो क्या है, इजिली डिस्टिंग्विशेबल है. हमें पता चल जाता है जो मेल है वो छोटी हाइट का होता है, फीमेल जो है वो बड़ी हाइट की होती है. मतलब दे एग्जिबिट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि सेक्सुअली डिफरेंटली डिफरेंट होने की वजह से वो क्या करते हैं, डिफरेंस एग्जिबिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप. लो पावर माइक्रोस्कोप से हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे बहुत टाइप की हेरिडेटरी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. ये क्या क्या वेरिएशंस हैं ये आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा, बिकॉज ड्रोसोफिला इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म बेसिकली इन जेनेटिक्स. ये जेनेटिक्स को पढ़ने को बहुत ही ज्यादा काम आती है. तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे हमारे पास एक बात आ जाएगी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की. मॉर्गन ने जो बात की थी, मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था, उसने किया तो था कि वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव कर सके, लेकिन हुआ क्या बेसिकली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एग्जिबिट करने के, प्रूव करने के चक्कर में उसने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन नाम की न्यू चीज को, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जेनेटिक्स, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को उसने क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया. सो लेट अस सी व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं. लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. जैसे यहाँ पे आप क्रोमोसोम देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने थ्री जीन्स दिए हैं. फर्स्ट इज द ए, सेकेंड इज द बी एंड थर्ड इज द सी. ठीक है, उसके जो सामने वाले ऑपोजिट रिकॉम्बिनेंट मतलब रिसेसिव वाले जीन्स हैं वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन. लिंक्ड जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट जो लॉज ऑफ मेंडल थे, मेंडल के तीन लॉज थे बेसिकली. द फर्स्ट वन वॉज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस का लॉ किसने खराब कर दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी एंड इन सब चीजों ने. एंड जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किसने खराब कर दिया, वो हमारा खराब कर दिया रिकॉम्बिनेशन ने. अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या चीज. स्टूडेंट्स, बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें बताता है कि अगर एक जीन है रिसेसिव तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी रिसेसिव ही होगा, दूसरा इंडिपेंडेंटली जाएगा. बट रिकॉम्बिनेशन के केस में ये देखने को मिला, मैंने आपको पहले ही बताया था दैट मेंडल वॉज लकी. उसने एक तो पी प्लांट को ले लिया जो क्या करता है, प्योर ब्रीड, प्योर सेल्फ क्रॉसिंग शो कर देता है, नो सेग्रीगेशन, कोई भी मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स को शो नहीं करता, एंड किसी भी टाइप की लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को भी शो नहीं करता. सो बेसिकली लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर थ्री जीन्स हैं बेसिकली, द ए जीन, द बी जीन एंड द सी जीन. दीज जीन्स आर लिंक्ड जीन्स एंड दीज लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस. रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ये देखो, ये दो जीन्स हैं हमारे पास, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं. मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं. रिकॉम्बिनेशन के अंदर हमें क्या मिल गया, अब कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. दीज आर द
genotypes that are not exhibited by the parental generations and exhibited only by the offsprings. सो ड्रोसोफिला के केस में क्या किया था? फर्स्ट तो इन्होंने किया येलो बॉडीड को व्हाइट आईज फीमेल्स के साथ, येलो बॉडी थी फीमेल की एंड व्हाइट आईज थी, इसको क्रॉस करा दिया ब्राउन बॉडी वाले के साथ जिसकी रेड आईज है और वो क्या है, मेल है। ये वाइल्ड टाइप है, मतलब ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये क्या है, रिसेसिव। फीमेल वाला कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्ड, जिसकी आंखें व्हाइट है एंड विंग्स क्या है, छोटे हैं। ये क्या है, ये रिसेसिव टाइप है। एंड रेड आईड लार्ज विंग्ड, ये क्या है, वाइल्ड टाइप है, ठीक है, ये डोमिनेंट है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेसिकली ये क्या शो कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। The two genes did not segregate. ये जो दो genes हमने लिए थे, मतलब body, yellow body and eyes का color, and eyes का color and wings का size, ये separate out हुए ही नहीं, ठीक है। ये जैसे गए, अगर white वाला जो है color exhibit हुआ तो body वाला भी वैसे ही exhibit हुआ, ये separate हुए ही नहीं। They did not segregate independently and the F2 ratio deviated from 9:3:1 ratio. जो F2 ratio थी वो 9:3:1 ratio आई ही नहीं। Genes were located on the X chromosomes, मतलब sex linked genes थे। जो females थी ना, mostly females थी, वो white eyed and yellow bodied ही show हुई, ठीक है, क्योंकि ये sex के साथ linked एक कैरेक्टरिस्टिक था जिसने लिंकेज शो की। लिंकेज मतलब ये जीन्स लिंक्ड है, ये जीन्स सेपरेट नहीं होंगे, ये जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगे, एंड थस इट इज द लॉ, इट इज डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। When two genes were situated on the same chromosomes, proportions of the parental gene combination was much higher than non-parental type. This is due to linkage. हमने देखो students, हमने non-parental linkage भी निकाली थी। Parental linkage क्या थी, सारी A, B, C and A, B, C, ये थी हमारी parental linkage, and non-parental linkage हमने निकाली थी, that was A, B, C and A, B, C. तो रेशियो क्या होनी चाहिए थी, 9:3:1 होनी चाहिए थी, लेकिन पेरेंटल टाइप जो थे ऑर्गेनिजम्स वो 98% थे एंड रिकॉम्बिनेंट थे वो 1.3% थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीन्स थे इन्होंने लिंकेज शो की थी। Genes of white-eyed and yellow-bodied were very tightly linked and show only 1.3% recombination. ये जो white eye and yellow body वाला character था, ये बहुत ही ज़्यादा linkage show कर रहा था, क्योंकि इनमें recombination बहुत ही कम थी, 1% only. Genes of white-eyed and miniature winged थोड़े से loosely linked थे, मतलब थोड़े से दूर थे, इसीलिए उन्होंने 37% समथिंग उन्होंने क्या कर दी, रिकॉम्बिनेशन शो कर दी। टाइटली लिंक्ड जीन्स क्या है, लो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, एज इन द केस ऑफ व्हाइट आईड एंड येलो बॉडीड, एंड व्हाइट आईड एंड मिनिएचर विंग वाले जो लूजली लिंक्ड जीन्स है वो थोड़ी हाई, वो कंपैरेटिवली हाई रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट एंड दिस इज नोन एज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। Alfred Sturt event used the recombination frequency between gene pairs for measuring the distance between genes and mapped their position on the chromosomes. Alfred ने क्या किया था, basically देख लिया कि हाँ ये वाला जीन है, ये दो जीन्स इतनी रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं एंड ये दो जीन्स इतनी रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के बेस पे उसने क्या किया, डिस्टेंस निकालना शुरू कर दिया।
तो उसने मैपिंग करनी शुरू कर दी, मतलब लोकेशन ऑफ द जीन्स को पहचानना शुरू कर दिया. जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स. अगर हमारा जीनोम है, मतलब कि हमारे सारे जीन्स को क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है, उसमें हम अगर अपने जीन्स की पोजीशन को देखना चाहते हैं कि मेरी आई कलर की पोजीशन कहाँ पे है, मेरी हेयर लेंथ की पोजीशन कहाँ पे है, मेरी हेयर कलर की पोजीशन कहाँ पे है, तो ये चीजें सब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर होती है. एंड इसका फर्स्ट स्टेप यही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि जीन्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ताकि हमें पता चले कि कौन सा जीन किस हद तक लिंक्ड है या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.